फेशियल वाला पता नहीं कहाँ चला गया, ऊपर से आज गर्मी भी इतनी है, कोई गर्मी से पिंपल्स ना हो जाए मेरे फेस पे। भैया ये क्या तरीका है, कहाँ रह गए थे आप इतनी देर से, मैं कब से गर्मी में मर रही हूँ, ऊपर से आपके रिक्शा में फैन भी नहीं है। बाजी वो सस्ते रेट में लगे हुए थे, हम मैंने कहा बच्चों के लिए ले लूं, बहुत शौक से खाते हैं वो हम। हाँ तो अब ले लिए ना, मुझे घर छोड़ो, मुझे गर्मी लग रही है। जी जी बाजी बस चलते हैं, आप खाएंगी आम? नहीं खाने मुझे आम, मैं नहीं खाती। अब तुम चल रहे हो कि मैं और रिक्शा पकड़ूं? अच्छा अच्छा बाजी आप गुस्सा क्यों कर रही हैं, चलते हैं। दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं स्किन केयर के टिप्स देने वाली यहाँ धूप में क्या कर रही है। देखिए मेरे बताए हुए टिप्स होते ही इतने इफेक्टिव हैं कि धूप उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, ठीक है। और अगर आप लोगों में से किसी को मजीद स्किन केयर टिप्स चाहिए तो आप लोग जो है मुझे इंस्टा पे DM कर सकते हैं। एंड मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय। उफल्ला कितनी गर्मी है, छाता इधर लेकर आओ जल्दी। अगर मैं यूट्यूबर ना होती ना तो इस टाइम सुकून से घर पे एसी के मजे ले रही होती। वो सब तो ठीक है शीला, मगर ये बताओ कि अगर किसी ने तुम्हारी दी हुई टिप्स को आजमा लिया और वो काले हो गए तो? देखो तुम ज्यादा दिमाग मत चलाओ, अगर लोग काले हो भी जाएंगे तो वो मेरा मसला नहीं, मेरा मसला मेरा कंटेंट है और वो बन रहा है। वाह भाई बहुत सही जा रही हो। देखो मजीद मेरा दिमाग खराब मत करो, पहले ही इतनी गर्मी है, अब कुछ ठंडा पिला दो। अच्छा चलो गुस्सा तो ना हो, पहले इतनी गर्मी हो रही है, गोला खाने चलोगी? हमेशा सुस्ते में ही जान छुड़ाना, खिला दो। मजे करते हैं? नहीं नहीं तुम लोग नहाओ मजे करो, मैं जरा सामान देख लूँ, सुनने चोरियाँ बहुत होती हैं यहाँ पे। सामान देखने जा रहा है या ट्यूब ढूंढने जा रहा है? वैसे मैं कभी कभी सोचती हूँ कि अगर तुम किसी दिन यूनिवर्सिटी ना आए तो मैं तो जल जल के काली हो जाऊंगी। ना के पिटना थोड़ी है मैंने तुमसे। क्या क्या कहा तुमने? नहीं मैं तो ये कह रहा था कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरे होते हुए तुम काली हो जाओ, आखिर तो तुम मेरी दोस्त हो। ये हुई ना बात, भैया गोला दे भी दे, यहाँ ठहर ठहर कर हम लोग गर्मी से पिघल जाएंगे। इसको तुम गोला कहते हो? हमेशा फालतू जगह पे तुम मुझे लेकर आना, मेरा दिमाग बहुत खराब हो रहा है, मैं अपने घर जा रही हूँ।
बेटा बेटा थोड़ी देर के लिए ट्यूब तो दे दो। आपको शर्म नहीं आती इतने बड़े होकर ट्यूब से नहाओगे? ये कमीना उस दिन का बदला ले रहा है मुझसे, जब भी तो आज यूनिवर्सिटी नहीं आया। अब मैं बिना छाते के क्या करूंगी? अगर मैं काली हो गई तो या अल्लाह। अम्मी खाने में क्या बना है? खाना ही दे दे, मुझे बहुत भूख लगी है। अच्छा चलिए एक गिलास ठंडा पानी दे दें। क्या हो गया अम्मी, इतने गुस्से में क्यों लग रही हैं आप? सालेहा मुझे तुम ये बताओ कि तुम्हारा रिजल्ट इतना बुरा क्यों आया? अम्मी आपको पता तो है अच्छे लोगों के साथ हमेशा ही बुरा होता है। ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है, उठो और कूलर में पानी भरो। अच्छा भर लूंगी, पहले खाने के लिए कुछ दे दे, मुझे बहुत भूख लगी है। देखती हूँ कुछ खाने को पड़ा है तो ला देती हूँ, हर वक्त खाने की पड़ी रहती है। अरे यार इतनी जोर से पिशी आ रही है मुझे, अब मैं कैसे बाथरूम जाऊं? एक तो यहाँ के वॉशरूम भी बहुत गंदे हैं। अबे आ जा यार, तू बाहर क्या कर रहा है? अबे नहाते हैं यार, तो पानी बहुत मजे का है, आ जा गीला हो जा। अबे मैंने नहा लिया है, तुम लोग मजे करो, नहाओ। नहा लिया तूने? अबे यार तू तो बाथरूम का फिरा था, कर लिया बाथरूम? हाँ बाथरूम भी कर लिया मैंने। सूखने ही वाला है, ऐसे करती हूँ मैं पहले जाके तैयार हो जाती हूँ, तब तक अच्छे से सूख जाएगा। अम्मी कुछ और नहीं पड़ा क्या? आपको पता है मैं आम कहाँ खाती हूँ, मुझे एलर्जी है आम से। खाना है तो खाओ वरना भाड़ में जाओ। बड़े भाई जल्दी करो, फूल खाली करो, जल्दी जल्दी फूल खाली करो बड़े भाई, टाइम खत्म हो गया बड़े भाई। क्या? पर मैं तो अभी तक नहाया ही नहीं हूँ। यार अगर आशीला के हत्थे चढ़ गया तो मेरी तो खैर नहीं, पर ये है कहाँ? नजर नहीं आ रही कहीं पे भी। यकीनन कंटीन में बैठी होगी, वहीं तो जख मार रही होती है। जी बहन आप कौन है? मैं कौन? तुम कौन हो? मैं शीला, तुम्हारे कल यूनिवर्सिटी ना आने की वजह से बिना छाते के घूमना पड़ा है मुझे, और धूप और गर्मी की वजह से ये हाल हो गया मेरा। अब तुम नहीं बचोगे मेरे हाथों से।
अल्लाह मेरी सारी मेहनत